आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और दुनिया भर की तर्ज पर शनिवार को रीवा में भी मुहर्रम के मातृ पर्व मनाया गया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों से लोगों का जन सैलाब, ढोल अखाड़ों ताजिया व अलम का कारवा विशाल जुलूस की शक्ल में निकला। जुलूस के दौरान सैकड़ों ताजिया के साथ अलम का काफिला भी जुलूस में शामिल रहा। इसके साथ ही ढोल और नगाड़ों की धमक के साथ साथ अखाड़ों में हैरत गिंज करतब भी दिखाए गए। यह जुलूस जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा किए सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम के चलते बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का यह महीना साल का पहला महीना है और शनिवार को मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन की शहादत का दिन मनाया गया है। मुहर्रम के मौके पर हमेशा की तरह परंपरागत तरीके से रीवा कोतवाली स्थित शाह भोलन से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में हमेशा की तरह बिछिया, घोगर, तरहटी, धोबिया टंकी, बाणसागर सहित विभिन्न स्थानों का जुलूस एकत्रित होकर ताजिए का कारवा लेकर शहर के फोर्ट रोड होते हुए देर शाम तक छोटी दरगाह पहुंचा। यहां जुलूस में शामिल ताजिया, ढोल, अखाड़ों का इस्तकबाल करने के बाद अखाड़ों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए। इस दौरान अखाड़ों के नौजवानों ने कुछ ऐसे हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई। देर रात तक चले इस कार्यक्रम के बाद सभी अपने अपने गंतव्य की ओर वापस लौट गए और सुबह करबला पर ताजिए को ठंडा किया गया।